अग्नेनाये सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मजोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। जितने वक्ता हैं तीन प्रकार की जानकारियां देते हैं, वक्ता बोलने वाले, वक्ता का अर्थ होता बोलना, बोलने वाला, किंतु ये एक शब्द प्रवचन करने वालों के साथ जोड़ दिया गया है। वैसे हम जब कभी बोलते हैं तो वक्ता होते हैं, एक वे होते हैं जो बीती बातों को बताते हैं, दूसरे वे होते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है ये बताते हैं, तीसरे वे होते हैं कि आगे क्या हो सकता है, होने वाला है। तीन प्रकार के वक्ता होते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं, सत्संग में जाते हैं वहां भी हम सुनते हैं, अपने लिए भी हम विचार करते हैं, वास्तव में होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमें करना क्या है ये कोई बताए, ये बहुत आवश्यक है। दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा था, ये तो हो चुका, सुन लिया हमने। पांडवों ने जुआ खेला था, सुन लिया हमने। ये जो टीवी पर सत्संगों के नाम पर आयोजन किए जाते हैं, यही सुनाया जाता है, किसने क्या किया, इसको कहते हैं इतिहास। कहानियां दो प्रकार की होती है, एक होती है काल्पनिक, एक होती है ऐतिहासिक। काल्पनिक कहानियां जो उपन्यास कहलाते हैं, उपन्यास को आप पढ़ोगे तो लगेगा कि सचमुच ऐसा हुआ होगा, कि तो होता नहीं है, वो समझाने के लिखे जाते हैं, वो काल्पनिक कहानियां होती है। एक होता है जो घटनाएं घट जाती है उनका वर्णन होता है, उसको कहते हैं इतिहास। दो प्रकार की कहानियां होती है। टीवी पर प्राय वे कहानियां सुनाई जाती है, कुछ काल्पनिक होती है, कुछ ऐतिहासिक होती है, तो हम सुनते रहते हैं। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो सुनाते हैं, कुछ श्रोता ऐसे सुनते हैं। श्रोता पसंद करते हैं कि क्या हुआ हमको बताया जाए, उनको पूछो तुम्हें क्या लाभ होगा, कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा है ये बताया जाए, इससे कुछ लाभ हानि हो सकती है, किंतु ये बताना, वक्ता बोले और श्रोता ये पसंद करे कि मुझे बताओ क्या करना चाहिए। श्रोता अगर इस प्रकार का मानस बना ले कि प्रवचन करने वाले से ये कहे कि हम तो सुन चुके सारी बातें आपकी, कौन सी पुस्तक में क्या लिखा है, हमको फुर्सत है नहीं, हम धंधे वाले लोग हैं, आपको फुर्सत, आप पढ़ते हो तो आपने बता दिया किस किताब में क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपका, अब ये बताओ हमें क्या करना है, वो प्रवचन होना चाहिए। दूसरा प्रवचन प्राय तैयार किए जाते हैं, आपको शायद इस बात की जानकारी है अथवा नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्या बोलना है इसकी तैयारी होती है पहले, उसके बाद वो जो तैयारी होती है बोल देते हैं, इसको कहते हैं रटी हुई बातें, रट लिया उन्होंने फिर बोल दिया। एक होता प्रवचन है जो अनुभूत बातें बताई जाती हैं, आजमाई हुई बातें बताई जाती है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के लगभग 16 प्रवचन उपदेश मंदिर में लिखे हुए हैं, आपकी पुस्तकालय में है, उपदेश मंदिर नाम की किताब मैंने देखी थी, पूना में प्रवचन किए थे उन्होंने, उन प्रवचनों को उन्होंने शॉर्ट हैंड से उस समय के जो लोग थे उन्हें करके उसके बाद उनको प्रकाशित करवाया। आप उनको पढ़ोगे तो लगेगा इसे कैसे बोला दयानंद, कभी कुछ
वो रटे हुए नहीं थे प्रवचन, वो अंतर की आवाज थी। गांधी जी बोला करते थे, रटी हुई बात नहीं कहा करते थे, अंदर की आवाज बोला करते थे। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अंदर की बात कहते हैं, रटी हुई नहीं कहते। अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो रटी हुई बात कहते हैं, और हमको पसंद है। पसंद क्यों? कि हमारे से कोई संबंध नहीं है उन बातों का, हमसे कोई संबंध नहीं है। कोई हमें कहेगा तो जल्दी उठा करो तो ये परेशानी है, फिर ठनकेगा कि सर्दी में कैसे जल्दी उठेंगे, तुम ये मत खाया करो, ये खाया करो, अरे तुम्हें क्या लेना देना कुछ भी खाए, तुम तो ये बताओ किसने क्या खाया था ये बता दो, बस किसने क्या किया था ये बता दो। अरे किया वो तो हो गया। हम अपना समय लगाते हैं सत्संग में इसलिए कि इसे कुछ लाभ हो, कुछ लेकर के जाए। आप आते हो कुछ लेकर के जाओ तो आपका आना सार्थक है, और ऐसे यदि आप आ गए तो आपके समय का कोई लाभ नहीं हुआ, एक प्रकार से मनोरंजन हो गया, चलो हम सत्संग में गए थे। आगे की बात सुनो, आगे की बात यह है कि जो बोला जा रहा है वो अनुभूत है अथवा सुना सुनाया है या पढ़ा पढ़ाया है, ये महत्वपूर्ण है। अनुभूत बात ज्यादा लाभ देती है, क्योंकि वो कह रहा है तो मैंने आजमाया है, ऐसा करके देखो। इतिहास का उदाहरण देगा तो कहेगा उसने आजमा करके देखा था। वर्तमान में कोई ऐसा कर रहा तो उसको कहो कि आजमा करके उसको आजमा रहा है, ये प्रवचन होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने आत्म साक्षात्कार कैसे किया, वर्तमान में आत्म साक्षात्कार के लिए यत्नशील कौन है, कैसी उनकी प्रगति हुई, कितने आगे बढ़े हैं, ये दो प्रवचन हुए। और आत्म साक्षात्कार करने के लिए करना क्या चाहिए, तीसरा प्रवचन होगा। तो आत्म साक्षात करने के लिए हमें जो करना चाहिए ये बताओ महाराज, आपने ऐसा करके देखा है क्या? वो कहते हैं कि हाँ, बात मान दीजिए उसकी। वो कहता नहीं, हमने तो किताब में पढ़ा है, तो उसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। क्यों? वो तो रटी हुई बात कह रहा है, उन्हें आजमा के कहां देखा है। ये जितने प्रवचन होते हैं, अधिकांश प्रवचन केवल रटे रटाए होते हैं, उनको इनसे लेना देना नहीं है, व्यवसाय है ना, वो क्या करेंगे, उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर वो आजमाई बात कहने लग जाए तो उनका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, सुने सुने वो सुनने वालों का भला हो। उसको कहते हैं आज की भाषा में प्रैक्टिकल, केवल थ्योरिकल नहीं। हम कैसे जीवन जिए, हमारे ऋषि मुनि ने जो प्रकार बताया वो आजमाया हुआ है, अनुभूत है। अनुभूत का मतलब है आजमाया हुआ, खुद का देखा हुआ आजमाया हुआ। उन्होंने हमको जीने का तरीका सिखाया। आज धरती के अधिकांश व्यक्ति जी रहे हैं, जीना जानते नहीं है। ये बात मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, जल्दी में नहीं बोल रहा हूं, फिर सुन लो इस बात को एक बार। लोग आज जी रहे किंतु जीना जानते नहीं है। कल मैं एक स्थान पर ये इंदिरा ब्रिज के बाद में कौन सा गांव आता है, भाटगांव, भाटगांव के पास में ये कोई फ्लैट बने हुए हैं, एक एक करोड़ का एक एक फ्लैट। मैं तो आश्चर्य हो गया मुझे, तो फ्लैट की भी इतनी कीमत हो गई, कमाल है। छठी मंजिल पर मैं वो करने के लिए गया था, हवन करने के लिए काफी लोग आए थे। अब एक करोड़ का बंगले में रहने वाले, मकान में रहने वाले कोई सामान्य तो नहीं हो सकता। एक करोड़ का फ्लैट जिसने लिया है रहने के लिए, खरीदा है, वो सामान्य तो नहीं हो सकता। काफी लोग आए वहां पर, मैंने उनकी देखी दशा, इन लोगों की दे तो मुझे बहुत तरस है, सच बताता हूं आपको, ये भगवान को क्या हो गया। तो मैंने पूछा उनको, मैंने कहा देखो भैया, हवन करूंगा मैं आपके, थोड़ी बातें पूछूंगा। क्या पूछो पूछो। एक बेटी कहने लगी कि आपका प्रवचन मैं सुने कई बार, आपका प्रवचन बहुत अच्छा होता, प्रवचन करके जाना आप यहाँ पर। मैंने कहा ये प्रवचन ही है मेरा, सुनो। सुनते हैं कई बेटियां जाती आती, कभी जाती कहीं पगड़ी में सुना होगा, कहीं सुना होगा। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप बताइए आपको क्या तकलीफ है। तो किसी ने कुछ बताई, किसी ने कुछ बताई। छोटे बच्चे को तो पूछा नहीं, जो थोड़ा 10-12 साल का, 15 साल का है, ऐसे बच्चों को पूछा। सब बीमार, एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हम दवाई नहीं लेते हैं। बड़ी उम्र के भी, माताएं भी, बेटियां भी, सारी के सारी। मैंने कहा सच सच बताओ, मैं आपको बता के जाऊंगा, कुछ आया हूं यहां पर,
हवन करूंगा, साथ साथ आपको जानकारी देके जाऊंगा क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी दिनचर्या बताइए कि दिनचर्या क्या होती है। मैंने कहा सोए प्रातःकाल उठ रोज रात को सोती है उसके बीच का समय कैसे निकलता बताओ, उसको दिनचर्या कहते हैं। मैंने कब उठते हैं सो करके, फिर क्या करते हैं, आपका भोजन कैसा है। मैं आपको सत्य बताता हूं, सारा उल्टा, स्वास्थ्य के नियमों के बिल्कुल विपरीत। मैंने कहा भगवान भी आपको ठीक नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा ये क्या बोल रहे हो। मैंने कहा अभिशाप, मैं आपको शाप नहीं दे रहा हूं, आपकी दिनचर्या आपको बीमार कर रही है, आपका खान पान आपको बीमार कर रहा है। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, वैसे कठोर बोलना तो मैंने बंद कर रखा है, जहां तक हो सके कोई निकल जाए तो बात अलग है, क्षमा कर देना मुझे। मैंने आप लोगों में देखा है, सबके लिए नहीं कहता, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी खिला देता। मैं कभी जाता हूं तो खाते दिखते हैं, कभी मेहमान आते हैं तो खिलाना। अरे भाई खाने का टाइम होना चाहिए ना, कोई हम 11 बजे खाएंगे 12 बजे खाएंगे, टाइम होना चाहिए। जब मन पेट एक लेटर बॉक्स है। ज्यादा बीमारियां तो इसलिए हो जाती है कि समय आपका निश्चित नहीं है खाने का। आप अपने अनुकूल बना दीजिए, समय अनुकूल देख करके करिए, आप अपने अनुकूल देख लो, किंतु वो समय पर करो। जो व्यक्ति समय पर सोता है, समय पर उठता है, समय पर शौच जाता है, समय पर स्नान करता है, समय पर भजन करता है, समय पर भोजन करता है, कोई बाहर नहीं पड़ सकता। दिनचर्या हमारी ठीक होनी चाहिए। जब कोई खाने के लिए दे तो खाने के चले जाते हैं, ले लेते हैं हाथ के अंदर प्लेट, खाना शुरू कर देते हैं, कोई जूते पहने खा रहे हैं, कोई खड़ा खड़ा खा रहा है, ये क्या करते हो समझ में नहीं आता। अरे इतना मानवतन कितना कीमती होता है, इसका महल मूल्य तो समझो। हाथ जोड़ लो, क्योंकि भाई इस समय हमारा भोजन का समय नहीं है, लो आपकी बात रखने के लिए थोड़ा सा लिया मुझे, बस ले जाइए वापस। या फिर कोई पैकेट में जाओ चीज़ तो पैकेट में दे दो, हमारे भोजन का समय होगा, निकाले खाएंगे। एक तो खाने का समय बिल्कुल पर निश्चित, जीना सीखो थोड़ा, कभी भी खा लें बिल्कुल गलत है, तो बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे, बच नहीं सकते किसी भी हालत में। निश्चित बनाओ अपने समय को, अपन ग्रस्ती हैं, आगे पीछे भी कभी हो सकते हैं किन्हीं कारणों से। अब दूसरे के चले गए मेहमान के भोजन का समय 12 बजे का, वो देगा 2 बजे, तो क्या लड़ेंगे क्या उससे, उनके घर की व्यवस्था होगी वैसे करेगा ना, वो अलग बात है, उसको अपवाद कहते हैं संस्कृत में। किंतु नियम तो बनाना चाहिए, बार बार नहीं खाना, चबा चबा के खाना, खड़े खड़े नहीं खाना, पांव लटका के नहीं खाना। कौन मानता है इन बातों को, कहता रहता पंडित ऐसे कहता कहता। अरे नहीं, अभी हम सत्संग, भाई हमारे सत्संग के अंदर घुटनों के अंदर बड़ा दर्द हो रहा है, तो उपाय कर लिए। मैंने कहा कि साहब डॉक्टर कहते अंडे खाया करो, मछली खाया करो। मैंने कहा इन डॉक्टरों कह दो कि तुम ये तुम्हारे तक सीमित रखो, इन लोगों को मूर्ख मत बनाओ। मैंने पीड़ांतक तेल के लिए कहा पीड़ांतक तेल की मालिश करो गर्म करके उसको, और आहार बताया उनको क्या खाना चाहिए। 1 महीना मेरा करके देख लो, आपके घुटनों के दर्द दूर हो जाएंगे। फिर घिस गया अंदर, गुस्सा करता है, बेकार की बातें करते हो। एक तो तिल्ली के तेल की मालिश किया करो, आप तिल का तेल होता है ना, उसकी मालिश करो शरीर के ऊपर सबसे पहले, फिर उसके बाद स्नान करो, या स्नान करने के बाद करो, कोई चिंता की बात नहीं। 1 सप्ताह में 2 बार प्रतिदिन करो तो बहुत अच्छी बात है, 1 सप्ताह में 2 बार मालिश जरूर किया करो आप शरीर के ऊपर, सदा निरोग रहोगे। दूसरा, प्रातःकाल जब आप उठो, सो करके जब उठो आप, तो बाई करवट से उठना है आप, ये ध्यान रखना है। और उठ करके और ऐसे थोड़ा शरीर को हिलाओ, ऐसे ऐसे शरीर को हिलाओ, ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे 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 हिलाओ शरीर को, थोड़ा हिलाओ और पाओ को इस प्रकार से, ऐसे 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 रोज किया करो, ऐसा ऐसे पाओ उठो, जब बिस्तर के ऊपर ऐसा कर दिया करो थोड़ा सा, आपके शरीर के अंदर बिल्कुल हलचल बराबर बनी रहेगी, जोड़ जो होते हैं ना आपके बराबर काम करते रहेंगे, नहीं तो जकड़ जाएंगे सारे के सारे। अब मेरे सत्संग में आ तो कुछ फायदा तो उठाओ भाई, 100 वर्ष तक आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आराम से रहोगे आप, 1 पैसे की दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे तरस आता है, बुद्धि दी भगवान ने, पैसा कमाया, 1 करोड़ का मकान ऐसे नहीं खरीदा जा सकता, मेहनत करी उन्होंने, पैसा कमाया उन्होंने, लाभ क्या हुआ, तो चढ़ा नहीं गया ऊपर, लिफ्ट के बिना चढ़ा नहीं जाती, अब इसमें चढ़ जाएंगे। ये कोल्ड स्टोर वाले जो हैं उनके यहाँ ये रहते हैं, तो दूसरे कोई बहुत लंबी दूर वो इसके
कौन सा भैरव कहलाता है उसकी तरफ है। वो एक ग्रांड होटल, कौन सी होटल है वहां पर, बहुत उधर बंगला उनका होगा। हाँ, तो दस मंजिल का उनका है मकान, 10 मंजिल पर रहते थे वो। तो लिफ्ट बंद हो गई, तो मेरे साथ जो आया व्यक्ति वो लेने के लिए मुझे, अब कैसे चलोगे? मैंने कहा चलो, मैं 10 मंजिल सीढ़ियों पर चढ़ गया, 10 मंजिल सीढ़ियों पर। उन्होंने कहा तुम क्या खाते हो? क्या खाता हूँ? तुम खाते हो उसे चौथा ही खाता हूँ। शरीर को बना पकड़ कर, शरीर बना करके रखो मजबूत, ऐसे क्या है? कम उम्र के लोग भी थे, क्या करते हो? बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग बन करके रहो। तो ये सब किया प्रातःकाल, और जहां तक हो सके क्रोध से बचो। ये क्रोध क्या करता है? जलाता अंदर। परिवार के लोगों से भी कह दो, भाई हमको जिंदा देखना चाहते हो तो हमको गुस्सा मत दिलाओ, हमारी बात को मानो। और अच्छा नहीं लगती हो तो कोई बात नहीं, विरोध मत करो, विरोध करो तो हम क्रोध आएगा। क्रोध से बचो जहां तक हो सके, क्रोध बुरी चीज है, अंदर जलाता है, खून जलाता है, क्रोध से कमजोर हो जाता है व्यक्ति। बहुत व्यक्ति तो क्रोध से बीमार हो जाते हैं। सदा प्रसन्न रहो, हंसते हुए रहो सदा। हंसना हमारे लिए वरदान है परमात्मा की तरफ से, जानवर के हंसी में प्रसन्न चित्र हो सारा। और सहनशील बनो, किसी बात को पकड़ के बैठ गए और फिर उसको ज्यादा तूल दे दी, ये उचित नहीं है। गलतियां होगी तो हो गई, क्या ध्यान देना है? दादा ऐसे थोड़ी रहेंगे, रहना इन लोगों के पास है। चलो कोई बात नहीं, गई होगी बात, अपने आप को संभालने का प्रयास करो। मेरा बेटा नालायक है, ये कहने से बेटा अच्छा नहीं बन सकता। मेरे पिता क्रोध, ये कहने से पिता क्रोध दूर नहीं होगा। अपने आप को संभाल करके रखो। मैं दार्शनिक दृष्टि से आपके सामने बोलता हूं, पिता क्यों क्रोध करता है बेटे पर, इसका कारण पता लगाए बेटा। बेटे ने पिता की बात क्यों नहीं मानी, इसका कारण लगाए पिता, कारण पता जाने कि क्यों नहीं मेरी बात कोई मानी है। ये ठीक है, ये तो शिकायत है कि बेटा क्यों नहीं मानता, पिता क्रोध करते, तो शिकायत है। समस्या का समाधान थोड़ी है, समस्या का समाधान ये कि कारण क्या है, मुझ में कौन सी कमी रह गई या कहां भूल कर रहा हूं, ये जानने का प्रयास करो। चिंता, क्रोध, विषय लोलुपता, संयम नहीं रहता जीवन के अंदर, तो निश्चित बात आदमी ढीला हो जाएगा, अब बीमार पड़ेगा। पैसे दवाइयों में हमारा पैसा चला जाता है, काम बराबर कर नहीं पाते, मस्तिष्क बराबर काम नहीं कर पाता है, आलस्य बना रहता है। ये क्यों होता है ऐसा? हमारी अपने भूलों का परिणाम है। जीना सीख, अपनी प्रकृति को देख करके चयन करो। अब मैंने उस व्यक्ति को कहा, मैंने कहा आपकी कब प्रकृति है? आप लोग जितने बैठे हैं, बंधु बेटियां बैठी है, आपको गर्मी अच्छी लगती है या सर्दी अच्छी लगती है, पहले ये जानो। कहते हैं मुझे गर्मी अच्छी लगती है, कब प्रकृति है आपकी? मोटी बात बता रहा हूं, अगर आपको गर्मी अच्छी लगती है तो कब प्रकृति है, और यदि आपको सर्दी अच्छी लगती है तो पित्त प्रकृति है। कब प्रकृति वाला का शरीर मोटा होता है? मोटा और भी कारणों से होता है, एक मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। अब आपको क्या करना है, अगर आप कब प्रकृति के हैं तो चिकनी चीजें बंद कर दीजिए खाना। 50 वर्ष की आयु के बाद वालों के लिए कह रहा हूं मैं, 50 वर्ष की आयु के बाद में चिकनी चीजें खाने बंद कर देनी चाहिए, अगर कब प्रकृति है तो। कब बनेगा? आपके शरीर के अंदर विकार आ जाएगा। पित्त प्रकृति वाले तो गर्म चीजें खाना बंद कर दीजिए। जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जा रही, वैसे वैसे सावधानी की आवश्यकता है। जवानी के अंदर तो खून तेज होता है, जोश होता है, पच जाता है, किंतु उस जवानी की गलतियां फिर बुढ़ापे में दुख देती है। जो व्यक्ति जवानी के अंदर ध्यान नहीं देता है, बुढ़ापे में दुख पाता है। जवानी में समझ के रहता है तो बुढ़ापे उसका बहुत अच्छा आराम से निकल जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये जानो, सबसे पहली आवश्यकता ये कि हम सदा स्वस्थ कैसे रहें, ये सबसे पहली आवश्यकता। हम संतुष्ट सुखी कैसे रहें, शांतिमय जीवन हमारा कैसे हो, ये जानना सबसे पहली आवश्यकता। बाकी बात की आवश्यकता है, सबसे पहले ये जान लो, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ हम कर रहे हैं, हमारा जीवन सुखमय बने और बन नहीं पा रहा है, हम सदा स्वस्थ रहे, स्वस्थ रह नहीं पा रहे, तो फायदा क्या हुआ फिर, मुझे बताइए आप। तो ये जानना बहुत जरूरी, जीना सीखो। तो क्या बताया मैंने? एक तो आपका सोने का समय निश्चित कर लीजिए, प्रातः उठने का समय निश्चित कर लीजिए, भोजन का भजन का समय निश्चित कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। स्नान का शौच का समय निश्चित कर लीजिए, और बार बार मत खाइए।
जितना कम खाओगे 50 वर्ष की उम्र वालों से ज्यादा असर, कहता हूं। इसका मतलब ये कैलाश जैसे ज्यादा खाने लग जाए, ऐसा नहीं है। खाना तो उतना ही जितना खाना चाहिए, बाकी इनके कोई बात नहीं। तो ये कम उम्र का है चलेगा, किंतु ज्यादा उम्र वालों को सोच समझ के चलना चाहिए। बार बार मत खाइए। जहां कहीं भी आपको जाना, आपका भोजन का समय हो गया है और वो आपको कुछ खाने के लिए देंगे, उसको बात रखने के लिए थोड़े से लेकर के हाथ जोड़ लीजिए, मेरा भी भोजन का समय नहीं हुआ है। और पॉकेट में देने वाली चीज ले लीजिए पॉकेट, घर में आके भोजन के थाली में रख करके खाइए। बार बार बिल्कुल खाइए मत, बिल्कुल मत खाओ। और जहां तक हो सके रात्रि भोजन के अंदर आप प्रोटीन मत दीजिए ज्यादा। रात्रि भोजन के अंदर आपको हानि करेंगे। मैं चीजों के नाम बताता हूँ कुछ, उन चीजों से परहेज करो आप। मटर मत खाना रात के भोजन में, भिंडी मत खाना, बैंगन मत खाना, अरबी मत खाना। अरबी को क्या कहते हैं आप लोग, चिकनी चिकनी होती है वो, हाँ वो, उसको आप मत खाना। पनीर मत खाना रात में, दही मत खाना, भूल के ही मत खाना दही। और ये सलाद आप लेते हैं, देखो आपके पास भोजन में सलाद पहले हो, फल हो सलाद, उसके बाद भोजन करो। अगर लेते हैं तो सलाद पहले लेना है, उसके बाद फिर लेना। सलाद क्या करते हैं लोग, नमक डाल देते हैं, बहुत गलती करते हैं। सलाद में नमक नहीं डालना चाहिए, जो जैसी चीज उसको वैसे ही बन के खाइए आप। बहुत लोग क्या करते हैं, अमरूद खाते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं। पहली बात तो समुद्र का नमक खाना ही नहीं चाहिए। अब सब पैसे वाले लोग बैठे हुए, सेंधा नमक क्यों नहीं खाते हो, सेंधा नमक खाओ। मैंने उनके घर को सब बंद करवा दिया समुद्र का नमक, सेंधा नमक खाते सब लोग। और कम मात्रा में खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मैं क्यों ऐसा, मेरे मन में क्यों आता है ऐसा, मैं आपको सबको सुखी देखना चाहता हूं, स्वस्थ देखना चाहता हूं, सदा प्रसन्न देखना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे सामने कोई कहता जी मुझे तो ये हो गया, मुझे ये हो, तो मुझे कष्ट होता है। और बातें तो आपको सुनना ही सुनना है, अध्यात्म के बारे में जानना, धर्म के बारे में जानना है, और पुण्य कैसे प्राप्त किया जाए ये भी जानना है। किंतु सबसे पहले ये जानना है, हम पुण्य प्राप्त करने वाले दीर्घ जीवी कैसे बने, ज्यादा उम्र हमारी कैसे हो, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग ये बराबर काम करते रहे, इनमें कभी शिथिलता नहीं आने पावे, कमजोरी नहीं आने पावे। नहीं तो उम्र के साथ में सब कुछ ये होता है, फिर परेशान होते हैं। तो पहले से समझ करके क्यों ना रहे हम, तो खान पान का थोड़ा ध्यान रखें और व्यवस्थित बनाने दिनचर्या। और ईश्वर उपासना अनिवार्य है, मैं अनुभूत बातें आपको बता रहा हूं। थोड़ा समय तो निकालना ही निकालना चाहिए। मेडिटेशन क्या कहते हैं अंग्रेजी में, थोड़ी देर के लिए बैठ करके, थोड़ी देर के लिए बैठ करके तो ईश्वर का चिंतन अवश्य करना चाहिए। आप भूल जाए इस बात को कि हम नहीं जानते एक परमात्मा का स्वरूप क्या, तो कुछ मत हो। ओम बोलना तो जानते हो, गायत्री मंत्र बोलना तो जानते हो, शुरू कर दो आप। वो प्रभु जानता अच्छी तरह से कि इसको मेरे बारे में ठीक याद नहीं है, ये संस्कृत का विद्वान नहीं, वेद का विद्वान नहीं, किंतु बात की वो ही कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जिसको दूध की जानकारी है दूध पीता है, जिसको दूध के बारे में जानकारी पीता, वो दोनों को ताकत बराबर आई है नहीं आएगी। फिर सुन लो इस बात को, एक व्यक्ति को पता है कि दूध पी रहा हूं इसके अंदर ये विटामिन है, मुझे ये फायदा हो जाएगा, उसको पता है। और एक व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं कि दूध में क्या होता है, पी रहा बताओ, दोनों को फायदा होगा नहीं। बस इसी प्रकार परमात्मा की उपासना के लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो नहीं जानता, वो तो जानता है। मैं तो नहीं जानता कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा तो जानता है मुझे, इतना तो है, ये तो मानोगे ना आप लोग, तो घबराने की क्या आवश्यकता है। एक सेठ की पत्नी बीमार पड़ गई। सेठ बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से, और अपनी पत्नी से प्यार किया कर, वो आपकी जीवन संगनी होती है, वो है जो कुछ है, वही आपकी लक्ष्मी है, वही आपकी दुर्गा है, वही सब कुछ है। बहुत संबद्ध दो उसको, सम्मान दो उसको। बीमार पड़ गई, बेहोश हो गई, उसको ऐसा हो गया उस स्मृति उसकी भूल गई। कोई एक्सीडेंट हुआ लगा उसको, तो कभी कभी क्या होता है, चोट लगती है सिर के ऊपर, तो आदमी की याददाश्त चली जाती है। बहुत पैसे वाला व्यक्ति था वो, अब वो अपनी पत्नी को दवाई देता है, उसके पास बैठ गया, डॉक्टर कहता है ये सेवा कर रहा उसकी। तो डॉक्टर ने कहा इस सेठ की पत्नी है, सेठ बैठा है यहाँ पर इतना पैसे वाला। तो डॉक्टर ने कहा सेठ साहब बात कहूँ आपको कि हाँ कहूँ, आपकी पत्नी को तो पता भी नहीं है कि आप सेवा कर रहे हैं, आपकी पत्नी तो बेहोश है। बेहोश का मतलब वो स्मृति नहीं इसकी, आप सेवा कर रहे हैं, आपके पास नौकरों की कमी है, नौकरा बिठा दीजिए, कोई माई बाई को बिठा दीजिए, वो सेवा करती रहेगी उसकी।
सेठ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा ये तो नहीं जानती, मैं तो जानता हूं कि मेरी पत्नी है। नहीं समझे, मेरी पत्नी को तो इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, तो मैं तो जानता हूं इस बात की मेरी पत्नी है। डॉक्टर चुप हो गया। अरे हम नहीं जाने परमात्मा को, परमात्मा तो हमें जानता है कि वो भी नहीं जानता हमें। छोटा बच्चा चाहे पिता को भूल जाए, पिता भी बेटे को कभी नहीं भूलता है। बच्ची छोटी की बात बता रहा हूं, हम तो उसके नन्हे मुन्ने बालक हैं। नियमित रूप से ईश्वर उपासना का व्रत लेना चाहिए, और करते हो तो धन्यवाद आपको, साधुवाद। करते रहो और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते रहो। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, 100 वर्ष पहले बाल बांका नहीं होगा आपका। अच्छी तरह से जियेंगे आप लोग, ज्यादा पुण्य कमाएंगे, पता नहीं फिर मनुष्य का जन्म कब मिलेगा। मेरे अंतर्भावों को समझने का प्रयास करना, मेरे अंतर के अंदर कुछ पीड़ा होती है तो मैं आपको बोल दिया करता हूं। जीना सीखो, एक मैंने आरंभ किया, थोड़ा उसको कल आगे बढ़ाएंगे। जो सुनते हो उस पर चिंतन अवश्य करो, जो सुना औरों को जाकर के बताओ कि आज हमें क्या समझा है, क्या सुना है। दूसरों का भला हो जाएगा, आपका तो भला होगा ही होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। इसी के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। ओम श्याम ओम द्यहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्कार।